जी हाँ, चलिए दिन का दूसरा मैच और ये मैच नंबर 25, पांजोर ताइतांस बनाम, माफ करें, पांजोर ताइतांस बनाम पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। जी हाँ, तो उसके वक्त में यहाँ मैच रेफरी कौन उछाला, यहाँ पोमा ट्राइडन और पक्ष गिरा उनके तरफ और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जी हाँ, पोमा ट्राइडन्स टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करेंगे और पांजोर टाइटन्स बल्लेबाजी। यह दोनों ही अंपायर मैदान के बीचों बीच, ताइकान्या और कारारेव, और मौसम बदलता हुआ, जिस तरह सुबह का मौसम था अब उस तरह खुला आसमान नहीं, और शायद उसी के चलते और पोमा ट्राइडेंट्स की टीम यहाँ मैदान के बीचों बीच, कप्तान याबनिया टॉस जीत कर आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और यहाँ पर विकेट कीपर नवम ताजिक, लास्ट मैन जो कि कैमरा को टच करके चलता हुआ,
और सलामी बल्लेबाज के रूप में तेसितिकू और गौतम यादव किस तरह की रणनीति से ये दोनों टीम खेलते हैं देखेंगे। पहला गेंद टची रोनल सामना करेंगे तेसितिकू। चौथा गेंद प्रहार किया पर अच्छा फील्ड प्लेसमेंट। पहला ही गेंद जोरदार प्रहार पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। खरे खरे खेला है यहां कोई रन नहीं। दिन का ये दूसरा मैच पंजर टाइटेंस बनाम पोमार टाइटेंस के बीच। गेंदबाजी में टिची रोनल अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। सामना करेंगे गौतम कुमार। ओहो खूबसूरत गेंद यहाँ इन स्विंग टिची रोनल का और बल्लेबाजी को खेलने में दिक्कत। युवा खिलाड़ी तिची रोनेल अच्छी गेंदबाजी। दो दो गेंद डाल चुके हैं। यहाँ हल्की सी रनअप में मिस के चलते अपील है यहाँ मगर कोई इशारा नहीं। इस टूर्नामेंट में गौतम कुमार यादव का बल्ला जबरदस्त चल रहा है। पिछले मैच में भी लंबे लंबे चौके छक्के हमने देखा। कदमों का इस्तेमाल मगर संपर्क बल्ले और गेंद में कहीं नहीं। और जी हाँ बाय रन के चलते एक रन जरूर मिलेंगे।
जी हाँ, अब स्ट्राइक में कप्तान तिशिदी को अब तक अच्छी गेंदबाजी थी चिरोनेल द्वारा। अब एक फुट पे जाके पंच करना चाहा, ताता पंच, पर कोई रन नहीं। और इसी के साथ ही पहला ओवर की भी समाप्ति। जी हाँ, पहला ओवर समाप्त हुआ। होनबिल T20 ट्रॉफी पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोबो। इस मैच को आप घर बैठे लाइव पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल पे आनंद उठा सकते हैं। अच्छा गेंद, जी हाँ, युवा खिलाड़ी फिर से आए हैं गेंदबाजी के लिए, धोनी तिरोन, और अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। आज कप्तान ने युवा खिलाड़ी के ऊपर पूरा भरोसा जताया। जी हाँ, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि ये भविष्य है अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। इस बार सी हाँ, जी हाँ, सीधा कवर्स के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, ये चेरन। जी हाँ, ये बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, बस देखते ही रह गए। लगातार फॉर्म में चल रहे हैं ये बल्लेबाज गौतम कुमार, अब तक कोई गेंदबाज इन पर हावी नहीं हो पाया है, तो उनके खिलाफ युवा खिलाड़ी धोनी तिरोन गेंदबाजी कर रहे हैं, तो देखना जरूरी है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। मगर अब मैदान पे उतर चुके हैं तो यहाँ पाइट करना जरूरी है। कब्बों का इस्तेमाल, इस बार अच्छी गेंद, सटीक लेन और लाइन के साथ। जी हाँ, एक चक्के खाने के बाद अच्छी कमबैक, अक्सर गेंदबाजी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है चक्के चौके चक्के खाने के बाद कमबैक करना, मगर अच्छी गेंदबाजी। पहला बल्लेबाज बने कप्तान T20 को, इस टूर्नामेंट का शतक लगाने वाला बल्लेबाज। सीधा खेला है, जी हाँ, मगर आउट मिल काफी स्लो, क्या यहाँ, जी हाँ, रोक लिया है। खूबसूरत फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, यहाँ इसी तरह की फील्डिंग करना होगा, मगर शॉट इतना, शॉट भी बेहतरीन यहाँ, मगर आउट फील्ड स्लो के चलते यहाँ, और उतनी ही शानदार फील्डिंग, 2 रन रोका अपनी टीम के लिए। इसी तरह की कंट्रीब्यूशन करना होगा फील्डर्स को, स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी पूमी पुंगते रिजॉर्ट। जी हाँ, ये वाइड का इशारा है, दिन का दूसरा मैच का अंपायर कर रहे हैं कारा राई और तेई कान्या, और हमारे साथ तर्द अंपायर पे ताजिन ताकर, अनुभव अंपायर है अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन की। तो आज हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में ये तीनों अंपायर हमारे साथ। चौथा गेंद, जी हाँ, नाव निगम तैनात, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं नाव निगम,
लगातार अरसे तक जर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और मैन ऑफ द मैच बने पिछले मैचेस में। टीम का बैकबोन कह सकते हैं नाबम निगम को पौमा ट्राइडेंट्स के लिए। जी हाँ, यहाँ डिजाइन गेंद फिर से, अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मगर यहाँ डिजाइन गेंद, दो डिजाइन गेंद आ चुके हैं इस ओवर में। अच्छी गेंद, और इसी के साथ ही दूसरा ओवर की भी समाप्ति। टू ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 13 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। जी हाँ, दूसरा ओवर समाप्ति के बाद अब ब्रुनल आए हैं फिर से गेंदबाजी करने। अच्छी गेंदबाजी की, पिछले ओवर में मात्र 1 रन दी। या क्लायो का इस्तेमाल करके शॉट पैन लेग की दिशा पर खेलना चाहा, और पिल्लर मौजूद, कोई रन नहीं। और यहाँ ऑडियंस खचाखच भरा हुआ, परे तोने दोस्त के पिछले मैच में जीता पानी हादर्स के खिलाफ। अच्छी गेंद, जी हाँ, कोई मौका नहीं देते रोनल, ये युवा खिलाड़ी। मैं बता दूँ, ये युवा खिलाड़ी सील संगो सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन, जितना बड़ा ये सर्कल एसोसिएशन उतना ही अच्छी अच्छी खिलाड़ी प्रोडक्ट यहाँ से। और आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं सील संगो सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन सर्च करके। इस बार कोई मौका नहीं। जी हाँ, ये लंबा शॉट, रिप्ले देखने लायक होगा इस शॉट का। कदमों का इस्तेमाल किया और करारा प्रहार, बेहतरीन शॉट। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, इतनी भी खराब नहीं मगर बेहतरीन शॉट। अब तक लगातार फॉर्म में चल रहे हैं गौतम कुमार यादव, इनके खिलाफ गेंदबाजी करना आसान नहीं। अच्छी गेंद, यॉर्कर कमबैक, यहाँ बहुत ही बेहतरीन तची रोनेल का, कप्तान या मियाँ पोमा ट्राइडेंट्स के युवा खिलाड़ी के ऊपर पूरा भरोसा जताया, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, फिर से यहाँ से, यहाँ मिस रन अप के चलते गेंदबाजी में, गेंदबाजी को गेंद डालने में दिक्कत। ये दिन का दूसरा मैच पंजाब टाइटंस बनाम पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। जी हाँ, अच्छी गेंद, लेन और लाइन से नहीं चूकते थे चीरों ने, लगातार वर्क मेंटेन करते हैं और
बल्लेबाज को मजबूर करते हैं, शॉट्स बनाकर लगाने होते हैं, पिछले चक्के हमने देखा कदमों का इस्तेमाल के साथ। जी हाँ, इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया है और सीधे बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर दिया। अच्छी गेंदबाजी जरूर, मगर उतनी ही शानदार बल्लेबाजी। जानते हैं वही लेन और लाइन होंगे, तो कदमों का इस्तेमाल किया पूरा। रिप्ले में आप देख सकते हैं जिस तरह से। जी हाँ, खराब गेंद नहीं मगर बेहतरीन शॉट। जितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उतनी ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ, दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाजी के बीच। और ये देखिए खूबसूरत शॉट। जी हाँ, 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। सलामी बल्लेबाज के रूप में गौतम कुमार और तिशी कुमार। अब गेंदबाजी में फिर से धोनी तिरोन। जी हाँ, 1 रन चुरा लिया युवा खिलाड़ी धोनी तिरोन, बालीजान क्रिकेट सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते। अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, यहाँ मौका नहीं दिया धोनी तिरोन ने। अच्छी गेंदबाजी, खास तौर पे सीनियर खिलाड़ी के खिलाफ इस तरह की गेंदबाजी। स्ट्राइक में फिर से कप्तान। कदमों का इस्तेमाल, कैचित की मांग, मगर फील्डर बहुत ही दूर, कोई खतरा नहीं। पहला बल्लेबाज बने थे इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले तिशिती। वो अच्छी गेंद यॉर्कर, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। रेस्ट्रिक्शंस ओवर के अंदर अच्छी गेंदबाजी धोनी तिरन द्वारा। बल्लेबाज को चौके छक्के लगाने का कोई मौका नहीं देना चाहते। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल और बेहतरीन गेंद, बिल्कुल रूम नहीं दिया गौतम कुमार को। ये युवा खिलाड़ी बालीजन सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते। अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, 1 रन जरूर चुराएंगे। और इसी 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 29 बिना किसी विकेट के नुकसान। और यहाँ
विकेट कीपिंग से चूक हुई और दो रन आसानी से चुरा लिया और दिशाइन भी पूरे 3 रन मिले। अपना तीसरा ओवर डालेंगे थे चिरो ने, फिर से यहाँ वाइड डिजाइन लगता है, गेंदबाजी पूरी तरह से दबाव में क्योंकि उनके खिलाफ गौतम कुमार बल्लेबाज कर रहे, तो ये दबाव में निश्चित है। मगर उनको कमबैक करना होगा क्योंकि आप मैदान पे उतर चुके हैं। पुल किया है और कोई मौका नहीं, डीप स्क्वायर लेके ऊपर से चक्के, रिप्ले में आप देख सकते हैं, रूम बनाया खुद के लिए और खूबसूरत शॉट। इस मैच का आप अगर लाइव स्कोर कार्ड तो चेक करना चाहते हैं तो पब्लिक प्ले दो इन में जाके, और इस मैच का विजेता कौन सा टीम होगा, पोमा टाइटंस या पंजाब टाइटंस, आप आंसर दे सकते हैं यस और नो में, प्रोबो दो तीन में जाके। इस बार भी रूम बनाना चाहते थे मगर कोई मौका नहीं दिया थे चीरों ने। करंट रन रेट चल रहा है 9.2 का, या अच्छी बल्लेबाजी रेस्ट्रिक्शन ओवर में। स्कूप कर दिया बिल्डर उनके पीछे, मगर जी हाँ रोक नहीं पाएंगे। 4 रन, ये अच्छी सोच। जी हाँ, इस तरह की सोच तिशी टिकू को लगाते हुए हमने कहीं बार देखा है। जानते हैं बिल्डर अंदर तह ना दे तो बिल्डर के पीछे से ये चौका। कदमों का इस्तेमाल और पुल किया है, 4 रन, कोई मौका नहीं बिल्डर्स के पास, पूरा लाभ उठाते हुए। अब रेस्ट्रिक्शंस ओवर का, जानते हैं आप मात्र 2 ओवर बच गए हैं, तो कप्तान खुद तिशी टिकू बल्लेबाज कर रहे हैं और पूरा लाभ मिलता हुआ। रूम बनाया, बैकफुट पे जाके खेला है, जी हाँ 1 रन जरूर चुराएंगे। पुंगमी पुंगते रिजोर्ट, इस रिजोर्ट को आप विजिट करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी में जाके पुंगमी पुंगते रिजोर्ट @gmail.com। कदमों का इस्तेमाल है मगर कोई मौका नहीं। और इसी के साथ 5 ओवर की भी समाप्ति, टीम का स्कोर 49 बिना किसी विकेट के नुकसान है।
जी हाँ, आखिरी ओवर रेस्ट्रिक्शंस का ये, और 2 नीति रन फिर से उतार दिया। इस बार भी कोई मौका नहीं बिल्डर्स के पास। खूबसूरत शॉट, स्कूप कर दिया विकेट कीपर के पीछे से। अब तक बहुत ही सारे बैट्समैन ने इस शॉट को ट्राई किया है, मगर तिशी थिकू के बल्ले से 2 चौका निकला। जी हाँ, फिर से पूरा यहाँ मजा लेते हुए थे शीति को। जी हाँ, फिर से पाइनल की दिशा पर, शायद केवल दिशा दिखाना चाहते थे, मगर इस बार कनेक्शन अच्छा नहीं। रूम बनाया खुद के लिए, पुल करना चाहते थे, रन आउट का मौका। क्या ये रिप्ले में देखने लायक होगा, क्या ये रन आउट है? जी हाँ, तिशी थी कुलोत रहे हैं। जी हाँ, तिशी थी कु कप्तान वापस जा रहे हैं, ये रिप्ले देखने लायक होगा। यहाँ रन चुराना चाहते थे, मगर शायद गौतम कुमार यादव बिल्कुल तैयार नहीं थे, और ये खूबसूरत थ्रो और उतने ही शानदार विकेट कीपिंग, नवम पाजिक ने पूरा जान लगा दिया। और पहला झटका ये 5 रन के लिए, पूरा स्टंप्स को उखाड़ दिया है नवम पाजिक ने इस विकेट को खाने के लिए। और मैं बता दूं, इस मैच को आप घर बैठे बैठे लाइव पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल में आनंद उठा सकते हैं, और लाइव स्कोर कार्ड को ट्रैक करने के लिए www.pavilion.in में जाके। जी हाँ, कप्तान तिशी थिकू के लौटने के बाद अब क्रीज पे आए हैं टिची सोनम। पिछले मैच में अच्छी पारी जरूर खेला था, मगर अर्धशतक बनाते बनाते हुए करीब पहुंच के अपना विकेट गवा बैठे थे। पॉइंट के दिशा पर, जी हाँ, कोई मौका नहीं बिल्डर्स के पास, और ये चौका सोनम के बल्ले से आते ही 4 रन के साथ अपना खाता खोला। बिल्कुल दबाव में नहीं दिखे, हालांकि एक विकेट गवा चुके हैं। जी हाँ, गैप में, गैप से निकली गई ये चौका, बेहतरीन शॉट। अच्छी गेंदबाजी कर रहे युवा खिलाड़ी धोनी थिरुन, सीधा बल्ला से खेला है और बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर दिया। 6 रन मिलेंगे। विकेटों पे डाली गई गेंद और पूरा लाभ होता है। जी हाँ, बिल्कुल स्लॉट में थे ये, और इतना जोरदार प्रयास करने की कोशिश भी नहीं की। बेहतरीन शॉट ये सोनम के बल्ले से, बैक टू बैक चौके और छक्के। ये डिजाइन गेंद, अब दबाव में गेंदबाजी,
15 रन आ चुके हैं और एक विकेट भी इस ओवर में। केराली बेनम्स पैक इज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक एंड रिलैक्स। दबैन को मौजूद इस बार कोई रन नहीं, और इसी के साथ ही रेस्ट्रिक्शन ओवर की भी समाप्ति। 6 ओवर कंप्लीट, 64 रन, लॉस द 1 विकेट। अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल्स निर्जली दोईमुख नाहरलगन करसिंह सा और जीरो जैसे जगह जगह में उपलब्ध है, फैसिलिटीज आप देखिए। और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है, तो जल्दी कीजिए अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन ओवर की समाप्ति हुई और अब गेंदबाजी में फिर से तेची रोनल आखिरी ओवर डालेंगे। और इस मैच को फाइनल टेंशन या पोमा टेंशन कौन सी टीम जीतेंगे, आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं प्रोबो 2-3 में जाके, और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। कदमों का इस्तेमाल मगर इस बार पोलो किया बल्लेबाज को और कोई रन नहीं। खूबसूरत ये शॉट, और जी हाँ 4 रन। शानदार तरीके से कलाइयो का इस्तेमाल किया और ये हेलीकॉप्टर धोनी और मैक्सवेल को हम इस तरह के शॉट्स लगाते हुए देखा, और आज गौतम के बल्ले से अल्पावित हॉस्पिटल अरुणाचल प्रदेश पापुमपारा डिस्ट्रिक्ट टिक निर्जुली मेन रोड के सामने। जी हाँ, एक खूबसूरत हेलीकॉप्टर कह सकते हैं आप इसको। जी हाँ, ये चेरन जी हाँ बाउंड्री के बाहर तप्पे का 6 रन मिला। अच्छा गेंद इस बार बिग पुट पे जाके हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। अपना आखिरी ओवर डाल रहे थे चिरोनल, और अब स्ट्राइक में तेची सोनम। आपके हल्के हाथों से खेला बैक में जाके, और आसानी से चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाज के बीच। यहाँ यहाँ पूरी तरह से पहुंच गए थे गौतम कुमार, तो कोई खतरा नहीं। अगर आप किसी भी टूर्नामेंट को लाइव होस्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए www.pavilionplay.in में। क्रॉस आई और कनेक्शन
इतना बेहतर है नहीं, मात्र एक रन मिलेंगे, दबे यहाँ कुम तैनात लोगों की दिशा में। जी हाँ, पुंगमी पुंग तेरी जरूरत, अगर आप बुक करना चाहते और विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर पे जाकर कॉन्टेक्ट कीजिए। करारा प्रहार और कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास, सीधे बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर दिया ये चौका तिची सोनम के बल्ले से। पुल कर दिया और बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट। जी हाँ, तनी हंटर्स के प्लेयर्स विवेक विश्राम लेते हैं और इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। सात ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 79, एक विकेट नुकसान के बाद आखिरी ओवर डालेंगे धोनी धीरो ने अपना। करारा प्रहार, कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रन। हल्की सी आउट स्विंग जरूर हुई मगर सीधे कवर्स के ऊपर से खेला ये चौका। सीधा बल्ला से खेला और 4 रन, गोली की रफ्तार से निकली ये चौका। खूबसूरत शॉट, जी हाँ, ड्राइव किया है ऑन ड्राइव और गोली की रफ्तार से निकली और इसी 4 रन के साथ गौतम कुमार का निजी स्कोर 44, केवल 26 गेंद का सामना करके। अब मात्र 6 रन चाहिए उनको अपना अर्से तक पूरा करने के लिए। कदमों का इस्तेमाल और हल्के हाथों से खेला है और आसानी से 2 रन भी चुरा लेंगे। 10 रन आ चुके हैं केवल 3 गेंदों में और अब मात्र 4 रन चाहिए गौतम को अपना अर्से तक पूरा करने के लिए। 190 का स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये डिजाइन व्हाइट का इशारा, दिन का ये दूसरा मैच पंजोर टाइटेंस बनाम पोमा ट्राइडेंट्स और हमारे आज के मैच के ऑफिशियल्स मैच रेफरी तिची गागुंग और यहाँ गेंदबाज दबाव में। ये लगातार हुआ इधर। जी हाँ, मैच रेफरी तिची गागुंग जी और स्कोरर में है अच्छा गेंद, कोई मौका नहीं दिया, 1 रन जरूर चुराएंगे। जी हाँ, BCCI क्वालिफाई स्कोरर तेली आतो जी और राजतांती जी हमारे साथ मैच के ऑफिशियल इस टूर्नामेंट के, और उतना ही फील्डर मौजूद, 1 रन जरूर चुराएंगे।
टेक्निकल्स टीम्स का आभारी, उनके चलते ये टूर्नामेंट मुमकिन हो पाया और आप मैच लाइव देख सकते हैं। उनके बिना मुश्किल इस टूर्नामेंट को, और यहाँ कदमों का इस्तेमाल। एक रन जरूर चुराएंगे। पुटिएट रन पे पहुंच चुके हैं गौतम कुमार यादव। अब मात्र 2 रन चाहिए उनको। और ओवर की भी समाप्ति हुई। 8 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 94 एक विकेट नुकसान के बाद। जी हाँ, मैं कह रहा था जितने भी टेक्निकल्स टीम से उन सभी का आभारी, आपके बिना इस टूर्नामेंट को मुमकिन नहीं, आप सभी के बिना। आठ ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 94 एक विकेट नुकसान है। अंकित अंकित को लाए हैं कप्तान गेंदबाजी के लिए। करंट रन रेट चल रहा है 11.8 का। और गौतम अपना अर्धशतक से बस मात्र 2 रन दूर, अपने फॉर्म को बरकरार रखा इस टूर्नामेंट में। कंसिस्टेंसी देखिए इस बल्लेबाजी का आप। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी इनके खिलाफ। कहा डाले तो डाले, कहा डाले मजबूर कर देते हैं। पहला मैच आज दिन का खेला गया था तनी हंटर्स और परे टोर्नेडोस के बीच, और परे टोर्नेडोस ने 6 रन से जीता और पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे परे टोर्नेडोस। क्या चित की मांग, क्या बिल्डर मौजूद है। बाल बाल बचे, यहाँ कोई खतरा नहीं। अब 1 रन चाहिए गौतम कुमार को अपना अर्धशतक पूरा करने के। और सोनम अभी अभी आए थे, 6 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। ड्राइव कर दिया और 1 रन। जी हाँ, गौतम कुमार स्ट्राइक में फिर से। ओ, कदमों का इस्तेमाल किया मगर उतनी ही शानदार गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दिया उनको। शायद 1 रन चुराने की कोशिश कर रहे थे गौतम कुमार, मगर बॉल बैट पे लग के बैट के इस बार भी कदमों का इस्तेमाल। गेंद हवा में और यहां लपक नहीं पाए, और इसी 2 रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया है गौतम कुमार ने। और उनको पहला जीवन दान भी मिला, ये महंगा साबित हो सकता है। कदमों का इस्तेमाल किया था और पूरी तरह से हल्की सी पंबल्स, मगर कोई मुश्किल नहीं। लगातार, जी हाँ, ये मौका बनाया था, ये कैच लपकना चाहिए था। जी हाँ, मगर खराब फील्डिंग। गौतम कुमार को आप इस तरह की जीवन दान देंगे तो बहुत ही महंगा पड़ सकता है। ओहो, पुमी पुंते रिजोर्ट, स्क्रीन के नीचे दिए गए ईमेल आईडी और फोन नंबर पर जाकर आप बुक कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं, संपर्क कीजिए। ओ, यहाँ खराब गेंद। जी हाँ,
बिल्कुल ही खराब, बहुत ही खराब गेंद। और विकेट कीपर के पीछे से ये 4 रन, नो बॉल का भी इशारा। जी हाँ, स्पिनर्स अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो सोचने लायक है। शायद उनके हाथ से फिसल गई थी गेंद, और गेंद हवा में जरूर मगर ये प्री हिट तो कोई खतरा नहीं। तची दो, तुम क्या कर रहे थे? ये शायद तची दो तुमको लगा ये आउट है, मगर ये प्री हिट था। रिप्ले देखना होगा। यहाँ गेंद हवा में और तिची दो दुम का ये शानदार कैच जरूर, मगर प्रीहिता शायद उनको ये पता नहीं। उनको शायद लगा ये आउट है, मगर ये प्रीहिता
स्वागत है स्ट्रेटजी के टाइम आउट के बाद। पोलो किया बल्लेबाजी को और खूबसूरत बिल्डिंग तिची दो मौजूद है। जी हाँ, स्वागत है फिर से आप सभी का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद और यहाँ तिची दोदुम का खूबसूरत बिल्डिंग। दबियाँ कुमाए पहला ओवर डालेंगे, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। LBW की अपील है और जी हाँ उंगली कर दी, देर नहीं की उंगली करने में और ये जी हाँ खूबसूरत गेंद दबे न्याकुम द्वारा लौटना होगा गौतम कुमार को। अक्रॉस द लाइन आकर खेलना चाहते थे मगर सीधा उंगली कर दी अंपायर ने। जी हाँ, यहाँ कोई मौका नहीं गौतम कुमार के लिए, अच्छी गेंदबाजी सेट बैट्समैन को चलता किया दबे याकुम ने और अंपायर ने भी कोई गलती नहीं, कारा रही उंगली करने में देर नहीं की। यहां बड़ा विकेट मिला, अच्छी अंपायरिंग कारा रही द्वारा। मैं बता दूं कारा रही और तई खानिया अंपायरिंग कर रहे हैं दिन के दूसरे मैच का। बड़ा विकेट चटकाया दबे याकुम ने, गौतम के लौटने के बाद अब क्रीज संभालने आए हैं सुमन। एक अच्छी साझेदारी बन रहे थे सोनम और गौतम के बीच मगर अब साझेदारी को तोड़ा दबे याकुम ने। पृथ्वीजा के हल्के हाथों से टेपिन रन और आते ही अपना एक रन के साथ खाता खोला। करंट रन रेट चल रहा है 11.6 का। दिए गए स्क्रीन के नीचे फोन नंबर और ईमेल आईडी में जाकर आप बुक कर सकते हैं और विजिट जरूर कीजिए पुमी पुंगते रिजोर्ट। पॉइंट के दिशा पर फील्डर तैनात थे मगर गोली की रफ्तार से निकली ये चौका दीप। जी हाँ, रोक नहीं पाएंगे और कप्तान याबनिया का ये खूबसूरत प्रयास, इस पूरा जान लगा दी इस गेंद को रोकने के लिए मगर रोक नहीं पाए। जी हाँ, दबे याकुम का यह पहला ओवर है और बड़ा विकेट दिलाया अपने टीम को। सीधा सीधा खेला है, दो रन की भी मांग और जी हाँ आसानी से चुरा लिया। पॉइंट के दिशा में इस बार कप्तान है अभी यहाँ मौजूद, एक रन और इसी एक रन के साथ 10वां ओवर की भी समाप्ति। 10वां ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 117 2 विकेट नुकसान के बाद।
अच्छी गेंद यहाँ पे, और यहाँ दो बोल होना चाहिए था, एक रन दे दिया है जी। हाँ कप्तान नाखुश होंगे क्योंकि जरूरत नहीं था। अपील की है या शायद करीबी मामला हो सकता है, बातचीत करेंगे शायद अंपायर। और जी हाँ ये आउट का इशारा। ये रिप्ले देखना होगा। ये आउट का इशारा और सुमन वापस जाएंगे शायद अपने आप से नाखुश भी। और कप्तान ने अपना काम कर दिया यहाँ, सुमन एक खतरनाक बल्लेबाज। आज निराशाजनक वापस जाना पड़ा और उतने खुश भी नहीं दिख रहे हैं, शायद अंपायर्स के डिसीजन से उतने खुश नहीं। या सौरभ नए बल्लेबाज, यहाँ गेंद को जाने दिया क्योंकि सौरभ अभी अभी आया, अभी अभी आए हैं तो खतरा लेना नहीं चाहते। एक समय ऐसा लग रहा था जब गौतम यादव बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि 150 का आंकड़ा मात्र 12 या 13 ओवर में पार कर देंगे, पर यहाँ थोड़ा सा रनों में रुकावट डाली है पमत राइडेंस की टीम ने। यह स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, अभिनव मौजूद है, एक रन से ही संतुष्ट होगा। जी हाँ सोनम की हम बात करें, 30 रन बना के नाबाद है 14 गेंदों का सामना करके। ये खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, ज़्यादा सिंगल्स डबल्स पे भरोसा नहीं करते, बड़े बड़े चौके और छक्के खेलने में सक्षम है, तो इनको जितना हो सके विकेट में खड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कहते हैं ये कैचित की मांग है, और ये खूबसूरत कैच पिची दोदुम के द्वारा, तबो के नाम से भी जाना जाता है कि फ्री हिट में भी आप देखा होगा एक बाउंड्री के लाइन में एक अच्छा कैच पकड़ा था, पर वो सोचा कि वो आउट है, कैजू ले लिया था, पर वो फ्री हिट गेंद था, पर अभी भरपूर तरीके से फुर्तीले कैच लपका है, वही बड़ा विकेट सोनम का। और वापस जाएंगे सोनम यहाँ 30 रन बना के, तारीफ ही हम कर रहे थे यहाँ, शायद उतना कनेक्शन उतना बेहतर नहीं, एलिवेशन भी नहीं मिला। और ये फॉरवर्ड डाइविंग कैच तची दो दुम,
ये विकेट में तो कहता हूं पूरा दोदुम के नाम में देना चाहूंगा। फिर से देखिएगा, आगे आया और पुरवा जंप, बेहतरीन कैच, क्या बात है यार। नए बल्लेबाज तली अरुण कमदीर आए हैं और एक अच्छा ओवर यहां निकलता हुआ, दो विकेट और दो रन, किफायती ओवर। एक रन की मांग है और यहां पे हल्की सी मिसफील्ड, कोई नहीं, एक रन से ही संतुष्ट होंगे। अपील किए यहां पे जो रहे अपील, और जी हाँ, आउट का इशारा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन में दिखी है तली अरुण, पर वापस जाना होगा क्योंकि अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है यार। जी हाँ, अंदरूनी किनारा और यहाँ वापस जाना होगा। गोलो सेरा, नए गोलो सेरा, गोलो सेरा को, सेरा को साथ देना होगा सौरभ का। और दिव्या न्याकुम अपना दूसरा विकेट भी चटका चुके हैं। गति है इन इस बॉलर के पास और गति का पूरा इस्तेमाल किया और तल अरुण को चलता किया। आते ही कट करना चाहते थे पर कोई मौका नहीं। ओह, यह गेंद छाती पे लगी। जी मैं बता रहा था, ये गति है इनके पास, इस बॉलर के पास, और गति से यहां बीट हुआ, छाती पे लगी गेंद। बाल बाल बचे और कोई चेस्ट गार्ड नहीं,
और मौसम भी देखो उतना भी गर्म नहीं, क्योंकि ठंड मौसम है, तो शायद जरूर यह इन्फेक्ट जोरदार से लगा होगा, शायद मेडिकल टीम की जरूरी है इस वक्त, क्योंकि चेस्ट गार्ड उन्होंने नहीं पहना। सेरा जोरदार घुमाने का प्रयास, और इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति, 120 रन पे 5 विकेट के नुकसान। यह 24 नंबर जर्सी में सौरभ, रनों का जो ग्राफ है वो गिर गया है, यहाँ ज्यादा रन आना चाहिए था, पर अभी भी एक अच्छे कंफर्टेबल स्कोर पे है, अभी भी काफी सारे लगभग 8 ओवर बाकी पहला इनिंग के। थर्ड मैन की दिशा में ही गई है ये गेंद,
एक रन से संतुष्ट होंगे। ये छक्का सीधा होनविल टी ट्वेंटी के बैनर में गई गेंद, गोवा सेरा के बल्ले से निकला। ये शॉट देख सकते थे बल्ले के बीचों बीच, कनेक्शन बेहतरीन और 6 रन के लिए। फिर से घुमाया है, इस बार दिव्यानी को तैनात है। यहाँ ड्राइव किया है, खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया एक रन के लिए। धीरे धीरे सौरभ और गोलो एक साझेदारी की ओर बढ़ता हुआ। और यह आप निया की अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ओवर की समाप्ति। आप देख सकते हैं यहाँ टीवी स्क्रीन में बांदर देवा तो निर्जुली का रोड आप देख सक रहे होंगे। ये दामदा लेग डाली गेंद या वाइड मिलेगा, जी हाँ वाइड का इशारा।
खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी घना ये जंगल, कैमरामैन फोकस करता हुआ अच्छी तरीके से। ऑलमोस्ट यॉर्क बोल रहा, दो की रान मांग की है। सौरभ 5 रन बना के नाबाद और गोलो से रहा 8 रन। ये 6 रन तच्ची दो तुम मौजूद थे पर नहीं पहुंच पाएंगे। कनेक्शन बेहतरीन, ये आगे खड़े थे वो 6 रन के लिए खेला, खेल दिया है इसे। अच्छी वापसी, कचाकच ऑडियंस काफी सारे छत से भी देख रहे हैं इस मैच को। कैच की मांग, अच्छी फील्डिंग यहाँ कप्तान से। और यहाँ ओवर की समाप्ति, नहीं गेंदबाज नाबम निगम तैयारी कर रहे हैं। नाबम निगम बीस नंबर जर्सी, विकेट चटकाना जानते हैं ये खिलाड़ी। जी आते ही मौका बनाया, कैचित की मांग, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। बाल बाल बच्चे जी आते ही करारा प्रहार करना चाहते थे यहां सौरभ।
हवा में गेंद, गाजा मोहित और आसानी से ले लेंगे। जी हाँ, काफी खुश। यह गोलो सेरा को फुलटोस गेंद दिया था। अपना विकेट गवा देंगे यहां। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, बल्ले में इतने अच्छी तरीके से संपर्क नहीं हुई और गाजा गेंद के नीचे मौजूद थे। अच्छा कैच, काफी कुछ। जी हाँ, गोलो सेरा जोरदार घुमाया था पर बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं कर पाए। और अच्छा कैच गाजा से। ना खुश होंगे। जी हाँ, गोलो सेरा, अब नए बल्लेबाज नवम इंडिया गेंदबाजी करते हैं पर आज जल्दी उनको आना पड़ा बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, पोमेग्रेनेट काफी फ्रेश फल है ये। मारते ही रन की मांग की है, एक रन ही मिलेंगे, दो रन नहीं चुरा पाएंगे। शॉर्ट फाइन के दिशा में धोनी के रन मौजूद थे। एक एक रन से अब संतुष्ट होना पड़ रहा है बल्लेबाज को पर स्कोर काफी अच्छा। आसानी से दोनों बल्लेबाज इंडिया और सौरभ अभी तक करें, सौरभ अगर आखिरी ओवर तक करे रहेंगे तो स्कोर देखने लायक हो सकता है क्योंकि ये सेट हो चुके हैं। उनका एक दो शॉट हमने देखा, काफी अच्छे तरीके से टाइम करते हैं और चौके चक्के लगा सकते हैं। ओवर की समाप्ति यहाँ। देवी अन्य कुंभ वापस आए। अच्छी गेंद, एक रन लेना चाहा पर खिलाड़ी के हाथों सीधा।
या फुल टॉस गेंद। वाइट की मांग कर रहे थे पर वाइट नहीं मिलेंगे। ये हाँ लाइन सही, फुल टॉस गेंद पर लाभ उठाना चाहते थे नवाब इंडिया पर नहीं उठा पाएंगे। तीन डॉट बॉल लगातार। यह आसानी से एक रन मिलेंगे। जी हाँ, ये सौरभ को स्ट्राइक लेना बहुत ही जरूरी होगा शायद, पर नवाब इंडिया भी जानते हैं स्थिति का, जिस स्थिति का वो खेल दिखाते आए हैं वो बेहतरीन है, जानते हैं किस वक्त में किस तरह की बल्लेबाजी करना है। तो आज उनको एक सेंसिबल बल्लेबाजी करना है तो उसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक रन से सौरभ के लिए रोटेट कर देता हुआ। हवा में गेंद आसानी से। जी हाँ, यहाँ सौरभ को वापस जाना होगा। अच्छे ले में दिख रहे थे और देविया न्याकुम का तीसरा विकेट होगा। देविया न्याकुम काफी फायदेमंद बॉलर साबित हो चुके हैं इस टीम के लिए। गति से बीत हुआ, पुल करना चाहते थे पर उनके लिए कोई मौका नहीं, और कप्तान गलती नहीं करेंगे आसानी से उनके हाथों। ये एक अच्छा कैच, नो चांस। जी हां, नए बल्लेबाज पवन ये मैच विनर खिलाड़ी है, मैच जिता चुके हैं। आते ही कट करना चाहते थे पर अच्छा गेंद, अच्छा ओवर, एक रन और एक विकेट चटकाया इस ओवर में, और ओवर की समाप्ति। 16 ओवर हैज बीन कंप्लीटेड, स्कोर मूव्स ऑन 144 रन, लॉस्ट ऑफ 7 विकेट। हवा में गेंद और कप्तान खुद ही ले लेंगे। जी कॉटन बोल्ट या नवाब इंडिया को वापस जाना होगा आज। एक वक्त लग रहा था 200 का आंकड़ा आसानी से पार कर लेंगे पंजोर टाइटंस, पर मिडिल ओवर्स में काफी अच्छी गेंदबाजी की, यहां पर स्लोअर गेंद। जी हाँ, हाथ पेरी और सीधा हवा के ऊपर, और कप्तान ने खुद इस कैच को लिया। जी कोई गलती नहीं, वापस जाना होगा नवाब इंडिया को। अब विकेटों का पतंग, अब गेंदबाज को बल्लेबाजी करनी होगी। तना जेम्स
ओह, यहाँ शॉट ओपन नहीं किया और मुझे लगा ये डाउन द लेग भी जा रहे थे, इसी के चलते कप्तान याबनिया अपील नहीं किया। जी सर, ये तना जेम्स के लिए ब्लॉक होल्ड होंगे क्योंकि इसके लिए उनके पास कोई शॉट नहीं थे। बाल बाल बच्चे, लेट हो गए थे पर गैप में गई गेंद, एक रन से संतुष्ट। पर पवन अभी भी खेल रहे हैं पर खाता नहीं खोला है, एक रन एक गेंदों का ही सामना किया है, तो पवन को जितना हो सके स्ट्राइक देना होगा। बातचीत करेंगे दोनों क्योंकि तना जेम्स गेंदबाजी में ज़्यादा सक्षम है, तो वो जानते हैं पवन किस तरह की खिलाड़ी हैं, उनके पास क्षमता है। पॉइंट की अच्छी फील्डिंग की है और यहाँ विकेट कीपर से हुई चूक, एक रन के जगह में 2 रन चुरा लिया है। नाबम ताजिक, क्या ये चौका मिलेगा? नहीं, खिलाड़ी पहुंच जाएंगे आसानी से, धोनी 3 रन। नाखुश होंगे यहाँ कप्तान विकेट कीपर नाबम ताजिक से, वो दौड़ बॉल करने का प्रयास कर रहे हैं और विकेट कीपर का साथ नहीं मिल रहा। सत्रह ओवर की समाप्ति हो चुकी है और याबनिया की अच्छी गेंदबाजी, 3 ओवर में 13 रन मात्र, 2 रन 2 विकेट भी चटकाए। तीन ओवर बाकी है पहला इनिंग समाप्ति के लिए, पवन अभी भी नाबाद 2 रन बना के, तो ये रोमांचक ओवर होगा। क्या इस ओवर में अपना चांस लेंगे पवन? और यह डिजाइन गेंद, शायद 3 रन चुराएंगे जी, एक बड़ा वाइड का इशारा, या निगम आज कंट्रोल में नहीं दिखे। ये एक तोहफा है, चौका और नो बॉल का इशारा।
जी हाँ, ये नो बॉल बीमर गेंद, और साथ में फ्री हिट भी मिलेंगे, यानी कि सोने पे सुहागा। वाइट का इशारा। नो रन अभी तक बिना किसी गेंद में। छह रन, बहुत ही बड़ा छक्का। एक बॉल में 15 रन मार चुके हैं। जी हाँ, एक गेंदों में 15 रन कंसीड कर दिए यहाँ नवम निगम। फिर से छक्का। अच्छी गेंदबाज, अच्छी वापसी की है। जी हाँ, नवम निगम काफी बड़ा ओवर। पवन ने अपना काम कर दिया है, 19 रन 7 गेंदों में। जी हाँ, पवन की हम बात करते हैं, एक मैच विनर ये खिलाड़ी, और इसी तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। तहस नहस कर दिया यहाँ। अब नवम निगम सोच रहे होंगे, जी हाँ, कल अगर मैं एक्सरसाइज करता तो बेहतर रहता, वही सोच रहे होंगे। तैयारी जीत की नहीं हुई है आज। फिर से छक्का। काफी बड़ा ओवर। कप्तान वापस आए हैं यावनिया।
पवन 31 रन 9 बॉल्स में, गेम चेंजर ऑफ द मैच आप कह सकते हैं। ये हवा में गेंद के चिप की मांग, तची दो तुम नहीं पहुंच पाएंगे जी, दो रन भी चुराएंगे। ये 4 रन है जी हाँ, 200 का आंकड़ा पार कर लेंगे मुझे लगता है, क्योंकि निगम की हम बात करें तो एक ओवर में 35 रन उन्होंने कंसीड किया, बहुत ही बड़ा ओवर, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ओवर। हवा में गेंद, इस तरह की विकेट कीपिंग इस लेवल में नहीं हो सकती, ये बहुत ही बड़ा गलती। नाबम ताजिक काफी ऊपर गई थी गेंद, आसानी से लेना चाहिए था, यहां पर तैयार ही नहीं थे, पोजीशन में नहीं आए और एक बड़ा विकेट गंवा दिया। ये अच्छी गेंद, और यहां भी गलती, और यहां भी 4 रन मिलेंगे। आज काफी निराशाजनक विकेट कीपिंग पोमा ट्राइडेंट्स की, काफी रन निकले उस एरिया से, कैचेस भी ड्रॉप हुए जी, मैंगो सर्कल से बिलोंग करते हैं, आज उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक। उन्नीसवां ओवर की समाप्ति भी, अब कप्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आखिरी ओवर के लिए यहां नाबम गाना को लेके आए, तो नाबम गाना किस तरह से गेंदबाजी, और ये आखिरी ओवर काफी दबाव होगा उनके ऊपर, और इस स्ट्राइक में पवन, इनके नाम में ही एक खौफ है इस वक्त, जिस तरह से निगम का धागा खोल दिया, मुझे याद आ रहा है वो ओवर, हर दिशा में चौके चक्के लगाए, वो ये गाना को बच के रहना होगा। और या फिर से विकेट कीपर से गलती, खराब गेंद, अगर लगता तो इस बार भी चक्का होता, बाल बाल बचे गाना, बाल बाल बचे, अच्छा हुआ वाइड गया, वरना कहीं और जाता।
जी हाँ, ये भी बिना बॉल में ही 3 रन कंसीड कर दिया अभी। ये काफी डाउन द लेग जा रहे थे, कोई चांस नहीं, पर बाल बाल बचे या नाबम गांजा लटकाई थी गेंद, खींच के मारना चाहते थे पर बाल बाल बचे। या जी हाँ, जेम्स को जाना होगा। या जी हाँ, तना जेम्स को वापस जाना होगा, 2 रन की मांग थी पर नहीं पहुंच पाएंगे 2 रन के लिए। ये पंबल हुआ पर आसानी से रिकवरी कर लिया क्योंकि काफी दूर रह गए थे तना जेम्स। यहां चौका मिलेगा और इसी के साथ 200 का आंकड़ा भी पार कर लेंगे पंजाब टाइटंस की टीम। ये टीम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पंजाब टाइटंस को। जी हाँ, 2 रन की मांग की है, आसानी से चुराएंगे। कदमों का इस्तेमाल, मुझे लगता है इस बार 1 रन होगा, 2 रन इस बार भी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यानी कि आखिरी ओवर आखिरी गेंद कितने रन जोड़ पाते हैं। 207 आ चुके हैं स्कोर कार्ड में, पवन के अपना तक पूरा कर पाते हैं। यहां मैनकडिंग की अपील की है नाबम गांजा ने, और जी हाँ, यहाँ मेन कटिंग के चलते आप दोनों का विकेट चटका दिया है और 207 रन में ही सिमट जाएंगे पंजाब टाइटंस के। 208 रन का यानी कि लक्ष्य होगा, 120 गेंदों में क्या लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे पंजाब टाइटंस। कुछ ही देर में आपके पास फिर से वापस जुड़ेंगे। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन कहां क्यों कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
यह दोनों ही अंपायर मैदान के बीचों बीच ताइकान्या और पुमा ट्राइडेंट्स की टीम यहाँ मैदान के बीचों बीच। कप्तान याबनिया टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और यहाँ पर विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज के रूप में तेसितिकू और गौतम यादव किस तरह की रणनीति से इस बार सीधा इस बार कोई मौका नहीं। जी हाँ इस बार विकेट मौका इस्तेमाल किया है और पुल किया है और कोई मौका स्कूप कर दिया बिल्डर उनके पीछे मगर जी हाँ रोक नहीं पाएंगे। कदमों का इस्तेमाल और पुल किया है चार रन उतार दिया इस बार भी कोई मौका नहीं बिल्डर्स के पास। रूम बनाया खुद के लिए पुल करना चाहते थे रावत का मौका क्या ये पॉइंट के दिशा पर जी हाँ कोई मौका नहीं बिल्डर्स के पास सीधा बल्ला से खेला है और खूबसूरत है शॉट और करारा प्रहार और कोई मौका नहीं फील्डर्स के पास करारा प्रहार कोई मौका नहीं सीधा बल्ला से केला और विजित भी कर सकते संपर्क की ओ यहाँ खराब गेंद जी हाँ बिल्कुल ही खराब बहुत ही खराब गेंद गेंद हवा में जरूर LBW की अपील है और जी हाँ उंगली कर दी देर नहीं की पॉइंट के दिशा पर फील्डर तैनात दे अपील की है वो ये कहते ही कैचित की मांग है और खूबसूरत अपील की है यहां पे जोर है अपील और जी हां ओह यह गेंद गेंद गाजा मोहित और आसानी से ले लेंगे जी अच्छी गेंद हवा में गेंद आसानी से हवा में गेंद और कप्तान खुद ही ले लेंगे जी किसी गेंद में छह रन बहुत ही बड़ा चक्का फिर से चक्का ये चार रन है और यहां भी गलती और यहां भी चार रन मिले यहां चौका ना कर पाते हैं
सलामी बल्लेबाजी के रूप में स्ट्राइक लेंगे तिची दोदुम और नॉन स्ट्राइक एंड पे नवम निगम, गेंदबाजी में अरुण तेली कमदिर। जी हाँ, पहला ही गेंद डिसाइन, बड़ा लक्ष्य जरूर मगध है, टी ट्वेंटी है इस तरह की, बड़ा टारगेट आसानी से चेसिंग हो जाते। कट कर दिया है पॉइंट के पॉइंट फील्डर के ऊपर से, आउट फील्ड काफी स्लो और दो रन चुराने में कामयाब हुए। शॉट अच्छा जरूर था मगर कनेक्शन शायद उतना बेहतर नहीं और अपील स्लो होने के चलते मात्र दो रन से यहाँ संतोष। और इसी दो रन के साथ अपना खाता खोला थे चिदोदुम ने। ये अच्छा गेंद और शायद चिदोदुम को लगा ये वायदे होगा मगर अच्छी गेंद। हल्की सी अपील मगर कोई खतरा नहीं, अच्छी गेंदबाजी। एक वायद दो रन आने के बाद दो लगातार दो गेंदे, थोड़ी सी अक्रॉस द लाइन आई और ये पैरों में डाला इस गेंद को अरुण ने, और बल्लेबाजी को खेलने में दिक्कत। गेंद हवा में जरूर मगर फील्डर तैनात नहीं, क्या ये चौका है या चक्का, इसका रिप्ले में हम जरूर चेक करेंगे। जानते थे तिची तो तुम फील्डर मौजूद नहीं, उतार खेला जी हाँ, ये चेरन बेहतरीन शॉट। नौ रन आ चुके हैं पांच गेंदों में, पुंगमी पुंग तेरी जोरत विजिट करने के लिए या बुक करने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी में जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। करारा प्रहार है इस बार भी तेसी तिकू कप्तान, जी हाँ लपक नहीं पाएंगे ये मुश्किल वाला कैच, कोई खतरा नहीं, गेंद हवा में जरूर थे और दो रन भी आसानी से चुरा लिया। पहला ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान, करंट रन रेट है 11.0 और रिकॉर्ड रन रेट इस मैच को जीतने के लिए 10.4 का। जी हाँ, पंजाब चैंस या पमाचा चैंस इस मैच को जीतेंगे, इसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं प्रो एप्स एंड मैक प्रॉफिट। इसका आप जवाब दें कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। गेंदबाजी में तमहिना युवा खिलाड़ी अपना पहला ओवर डालेंगे, राइट आर्म लेग ब्रेक, अक्सर हम इनको रेस्ट्रिक्शंस ओवर के बाद गेंदबाजी करते हुए देखते हैं मगर आज कप्तान ने उन पर भरोसा जताया और दूसरा ओवर डालेंगे दूसरा इनिंग का।
बैकफुट पे जाके कट किया है मगर पिल्लर थे ना तो कोई रन नहीं। यह अक्सर स्पिनर्स के लिए आसान नहीं होते रेस्ट्रिक्शंस अंदर के, अब अंदर गेंदबाजी करना। अच्छी गेंद, जी हाँ, यह संपर्क गेंद में नहीं बना पाए नाबम निगम और मुस्कुरा रहे हैं। लगातार दो 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 गेंदे, अच्छी गेंदबाजी। लटकाई गई गेंद मगर कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, तीन लगातार दो गेंद। केराली बेनम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक एंड रिलैक्स। जी हाँ, इस बार भी कोई कनेक्शन नहीं और ये चार लगातार दो गेंदे। अच्छी गेंदबाजी युवा खिलाड़ी तामहीना। ओहो, यहाँ इस गेंद छोटा गेंद था मगर संपर्क नहीं बिल्कुल है। और ये पांच दो गेंदे लगातार, आखिरी गेंद। बिल्डर मौजूद, जी हाँ, कोई रन नहीं। अच्छी ओवर की समाप्ति हुई, मेडन ओवर, ये स्पिनर्स का मेडन ओवर। ये अच्छी गेंदबाजी, अक्सर आसान नहीं होते नए गेंद के साथ इस तरह की गेंदबाजी करना। दूसरा ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। ट्रायल्स को अब चाहिए 198 रन इन 108 बॉल्स। और उनका ये दूसरा ओवर आते ही, जी हाँ, पुलतोस और दीप बिश्वकर्ले के दिशा पर पिल्लर तैनात नहीं, चार रन। जी हाँ, यहाँ शॉर्ट स्कार लेग और शॉर्ट फाइनल की दिशा के पिलर के बीचों बीच से चौका पुल किया है, दो रन चुराना चाहते थे जी दो दो, मगर नाबम निगम बिल्कुल भी तैयार नहीं दो रन के लिए। निगम अब स्ट्राइक में, छह गेंदों का सामना कर चुका है चुके हैं मगर अब तक अपना काटा नहीं गोला। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे मगर गेंदबाजी ने पोलो किया। और जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल और यह अपना संतुलन बना नहीं पाए। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ, पूरी तरह से यहाँ ब्लॉक होल पे डालते हुए और बल्लेबाजी को परेशानी खेलने के लिए। करंट रन रेट है 6.0 का और रिकवर रन रेट है 11.1 का। अच्छी गेंद, अपील है LBW का मगर अंपायर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। आज निगम के बल्ले से गेंद संपर्क होने का नाम ही नहीं ले रहे।
इस बार भी अच्छी गेंद। जी हाँ, ये मिसिंग लेग होता तो को अच्छी अंपायरिंग। अच्छी गेंदबाजी फिर से, और ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। दो सौ सात का ये बड़ा टारगेट, मगर फिर से युवा गेंदबाजी। अच्छी गेंद, मगर यह डिजाइन वाइट का इशारा। कट किया है, फील्डर मौजूद है, मगर यह 1 रन शायद चुरा लिया है। शायद स्टंपिंग उतना देखना होगा रिप्ले में। थ्रो भी अच्छा जरूर, मगर यहाँ कलेक्शन जी हाँ कलेक्शन अच्छा नहीं। गेंद विकेटों पे जाके नहीं टकराए, केवल जी हाँ कोई खतरा नहीं। तम ही ना, दूसरा ओवर उनका ये, और अच्छी गेंदबाजी। अब स्ट्राइक पे थी दो दम कदमों का या, और फील्डर मौजूद जरूर, मगर ये लॉन्ग ऑन के फील्डर्स के ऊपर से ये चक्के 6 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, और जी हाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से ये 6 रन। सीधा खेला है और 4 रन। बारह रन आ चुके हैं, पूरा लाभ उठाते हुए रेस्ट्रिक्शन ओवर का। कदमों का इस्तेमाल, और यहाँ फील्डर भी मौजूद थे, मगर बाल बाल बचे। तेजी दो दम, और ये दूसरा चौका। कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन शॉट, मगर शायद कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, और डीप मिड विकेट की दिशा में ये 4 रन। पुल किया है इस बार भी, और कोई मौका, ओ है यहाँ शायद लपक लिया है। रिप्ले देखने लायक होगा इस कैच का। जी हाँ, इसका हम रिप्ले देखना जरूर। और आउट का इशारा है, पुल किया था, कनेक्शन शायद उतना अच्छा नहीं। धीमी गति की गेंद,
और ये शानदार कैच। सुमन मौजूद थे, ठीक बाउंड्री के नज़दीक इस कैच को पकड़ा है। शॉट उतना खराब नहीं था, मगर शायद जितना कनेक्शन होना चाहिए था उतना नहीं मिला यहाँ तेची दोदुम को, और तारीफ करना होगा इस कैच को, ये बेहतरीन कैच। तिची दोदुम को लौटना होगा और पहला झटका। क्या ये बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है? और अपना पहला युवा खिलाड़ी है तमहिना ने। मांग है अच्छी बिल्डिंग, और 2 रन चुराया। अभिनव 2 रन के साथ अपना खाता खोला। गौतम कुमार का ये शानदार फील्डिंग, पूरा जान लगा दी इस गेंद को रोकने के लिए और 2 रन, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। ये 5 ओवर, इन स्विंग यहाँ अब तक निगम के बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं देगा ठीक तरीके से, बार बार उनके पेड़ पे जाके गेंद। और अब चाहिए पोमा ट्राइडेंस को 172 रन इन 95 बॉल्स। अरुण अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं और अब स्ट्राइक में अभिनव, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये खिलाड़ी। जी हाँ, ये डिजाइन गेंद, वाइट का इशारा। हमने कई बार देखा है अभिनव और नवम निगम को टीम को जिताते हुए, अच्छी साझेदारी पार्टनरशिप बनाते हैं और टीम को मुश्किल स्थिति से निकालते हैं ये दोनों बल्लेबाज। तो आज भी इन दोनों को वही करना होगा। जी हाँ, आज शानदार विकेट कीपिंग, मगर दिशाहीन गेंद। ड्राइव किया है मगर दो रन चुराना चाहते थे अभी ना, मगर नाभम निगम बिल्कुल तैयार नहीं, तो मात्र 1 रन से संतोष। जी हाँ, ड्राइव कर दिया था मगर अरुण के हाथों में गेंद जाके टकराई और 1 रन चुराया। इस टूर्नामेंट में अपना लगातार अर्धशतक बना चुके हैं नाहम निगम। कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा इस बल्लेबाज का अच्छा गेंद। डॉट गेंद, 4 रन आए 3 गेंदों में, अच्छी गेंदबाजी, मगर विकेट चटकाना जरूरी है यहाँ। खास तौर पे अभिनव और नाम निगम का विकेट चटका देंगे हल्की सी राहत।
सांस ले सकते हैं। अच्छा गेंद, फिर से कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। जी हाँ, रिकॉर्ड रन रेट इस मैच को जीतने के लिए 11.0 का, प्रति ओवर आपको 11 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। मगर अति तो इनती है रन एक दो ओवर में। अच्छी गेंद, फिर से हल्के हाथों से खेला और एक रन चुरा लिया। दूसरा बने थे इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी अभिनव। और उसी तरह की पारी की जरूरत आज उनसे। हल्के हाथों से खेला और एक रन चुराना चाहते थे मगर चुरा नहीं पाए। और इसी के साथ 5 ओवर की भी समाप्ति, 40 रन 1 विकेट नुकसान है। अल्फाबेट हॉस्पिटल मेन रोड तीख निर्जुली और राज्य अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पापुम पारे। फैसिलिटीज आप देखिए, 24x7 सर्विस, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपिस, डिजिटल एक्सरे, हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी, ओपीडी, आईपीडी और फार्मासी जैसे फैसिलिटीज उपलब्ध। तो हेल्थ चेकअप के लिए आप विजिट कीजिए। फैसिलिटीज आपने स्क्रीन के ऊपर देखा। बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेला और एक रन चुराने में कामयाब हुआ। 15 गेंदों का सामना कर चुके हैं नवम निगम, 4 रन। आज मूड बनाकर आए हैं, शायद अंतिम वक्त कर वक्त तक उनका करा रहना क्योंकि जरूरी। बैकबोन है ये खिलाड़ी पवन ट्राइडेंट्स का। फूल किया है इस बार बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जी हाँ, गैप में खेला ये शॉट। ये खिलाड़ी अभिनव ज्यादा ताकत का प्रयास नहीं करते, तकनीकी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और गैप में शॉट्स खेलते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी। ये देखिए, फिर से स्वीप किया है मगर इस बार फील्डर तैनात और मात्र 1 रन से संतोष। ये आखिरी ओवर है रेस्ट्रिक्शंस का। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे मगर पूरी तरह से बीत हुए। अच्छी गेंद और खूबसूरत हेलीकॉप्टर से गुजरते हुए एवी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से। जब जब ये खूबसूरत ये रिप्ले में आप देख सकते हैं, कदमों का इस्तेमाल किया मगर पूरी तरह से बीत हुए। बाल बाल बचे यहाँ। अच्छी गेंदबाजी, देख लिए थे बल्लेबाज को कदमों का इस्तेमाल करते हुए और चकमा दिया। अच्छी गेंदबाजी, युवा खिलाड़ी तमहीना खास तौर पे रेस्ट्रिक्शन ओवर के अंदर इस तरह की गेंदबाजी। रूम बनाया खुद के लिए और गेंद हवा में और सीधा फील्डर के हाथों। संघर्ष भरा पारी यहाँ खत्म नवम निगम का। 16 गेंदों का सामना किया और मात्र 4 रन बना के आज उनको लौटना होगा पवेलियन की ओर। शुरू से ही हमने उनको देखा बहुत ही संघर्ष कर रहे थे आज, हालांकि पिछले 2-3 मैच लगातार अर्धशतक जर चुके हैं ये खिलाड़ी। कभी कभार जी हाँ, ये इस गेंद को हम फिर से रिप्ले में देख
या प्लाइटेड गेंद और खुद के लिए रूम बनाया और संपर्क अच्छा नहीं बना पाए गेंद के ऊपर और सीधा फील्डर के हाथों। जी हाँ, ये दूसरा विकेट मिला तमहिना को। शायद कवर्स के ऊपर से ये शॉट को खेलना चाहते थे मगर संपर्क यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं और फील्डर के हाथों मार देते। इस मैच को आप लाइव पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल में आनंद उठा सकते हैं घर बैठे बैठे और इस मैच का लाइव स्कोर कार्ड को ट्रैक करने के लिए पवेलियन प्ले डॉट कॉम में जाके। रेस्ट्रिक्शंस ओवर के अंदर ये दूसरा विकेट दिलाया तमहिना ने। आसान नहीं होते स्पिनर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस ओवर के अंदर गेंदबाजी करना मगर यहाँ अच्छी गेंदबाजी है और दो विकेट चटकाए। खराब गेंद, जी हाँ पूरा लाभ मिला चार रन। आते ही चार रन के साथ अपना खाता खोला। खराब और जी हाँ कोई गलती नहीं की और इसी के साथ रेस्ट्रिक्शंस ओवर की भी समाप्ति हुई। छह ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 51 रन दो विकेट नुकसान के बाद। जी हाँ, छह ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 51 दो विकेट नुकसान है। निगम के लौटने के बाद आए अमन, आते ही चार रन के साथ खाता खोला। आखिरी ओवर अरुण का अच्छी गेंद और हल्के हाथों से खेला एक रन के लिए। जी हाँ, विकेट कीपिंग में बदलाव है यहाँ। गौतम विकेट कीपिंग करते हुए हम देखेंगे अब। केराली बेनम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक एंड रिलैक्स। अच्छा गेंद इस बार, जी हाँ गति प्राप्त हुई इस गेंद में और बल्लेबाज संपर्क नहीं कर पाए गेंद के ऊपर। विकेटों पे डाली और ड्राइव किया है दीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक रन चुराया। अल्फाबेट हॉस्पिटल अरुणाचल प्रदेश पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट नजदीक नजदीक निर्जुली मेन रोड के सामने। तो आप अपना हेल्थ इश्यूज के लिए अल्पावेद हॉस्पिटल में विजिट जरूर कीजिए। ड्राइव किया है, जी हाँ इन दोनों बल्लेबाज को क्रीज पे टिका रहना बहुत ही जरूरी। अगर इन दोनों का विकेट चटका देते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा के लिए इस मैच को जीतना।
करारा प्रहार करना चाहा, संपर्क बेहतर नहीं। मात्र एक रन मिलेगा। फील्डर मौजूद, एक रन और इसी एक रन के साथ सातवां ओवर की भी समाप्ति। जी हाँ, अल्पावित ग्रुप ऑफ स्कूल निर्जुली दोईमुख नाहरलगन करसिंगसा और जीरो जैसे जगह जगह में उपलब्ध है ये स्कूल, और फैसिलिटीज आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है डिस्काउंट ऑफर के साथ। पुल किया है मगर फील्डर तैनात, एक रन। आखिरी ओवर तमहिना का, अच्छी गेंदबाजी की, दो विकेट चटकाए और ये खूबसूरत नज़ारा अरुणाचल प्रदेश पहुंबरे डिस्ट्रिक्ट दोईमुख कत किया है। जी हाँ, ये खराब थ्रो। जी हाँ, आज मौसम इतना अच्छा नहीं मगर प्लाइटेड गेंद स्वीप किया है और करा फील्डिंग, चार रन। यहाँ रोकना चाहिए इस तरह की गेंद को, यहाँ इस तरह की रन लीक होंगे तो स्कोरबोर्ड में बहुत अच्छा के लिए कुछ खबर। इस बार क्या कनेक्शन अच्छा है? जी नहीं, कनेक्शन अच्छा नहीं था, फील्डर भी मौजूद थे, लपक सकते थे इस कैच को मगर चार रन मिला। अभिनव का जीवन दान महंगा पड़ सकता है। चौथा गेंद फूल किया था और जी हाँ, फील्डर भी मौजूद थे मगर इस बार लपक नहीं पाए और सीधे बाउंड्री के बाहर। उल्टोस गेंद ड्राइव किया, दो रन की मांग है मगर चुरा नहीं पाएंगे और गलत थ्रो के चलते जी हाँ दो रन चुरा लिया है। इन दोनों बल्लेबाज का क्रीज पे टिके रहना बहुत ही जरूरी है। कदमों का इस्तेमाल और उतार दिया है। जी हाँ, बेहतरीन शॉट, सीधे बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया छह रन के लिए। रिप्ले में आप देखिए, कदमों का इस्तेमाल किया और कवर्स के ऊपर से ये चौका चक्के, मजा आ गया इस शॉट को देखकर। आठवां ओवर की भी समाप्ति हुई, टीम का स्कोर 73 दो विकेट नुकसान के बाद। जी हाँ, आठवां ओवर की समाप्ति हुई और टीम का स्कोर हुआ 73 दो विकेट नुकसान
अब चाहिए 135 रन इन 72 बॉल्स। ओहो करारा प्रहार करना, बल्ले पे संभव, जबरदस्त पारी हमने देखा था अमन का। क्या आज अमन उसी तरह का पारी खेलेगा, ये देखना बहुत ही जरूरी। पुल कर दिया मगर फील्डर मौजूद और एक रन। पुमा टाइटंस को चाहिए आप 134 रन इन 70 बॉल्स। जी हाँ सीधा बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट कर दिया, ये खराब गेंद और सीधे बाउंड्री के बाहर, बिल्कुल खराब गेंद। जी हाँ चौथा गेंद और पुल किया, स्ट्रोंग जोन है अभिनव का पुल, और आप इस खिलाड़ी को चौथा गेंद नहीं डाल सकते। जी हाँ खूबसूरत लगाते हैं और बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया, बेहतरीन शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया और पुल किया इस बार भी, लंबा चक्का ये, बेहतरीन शॉट यहाँ, बैक टू बैक चक्का। अभिनव यहाँ पूरी तरह से हावी गेंदबाजी के ऊपर, मात्र 15 गेंदों में 39 रन बना चुके हैं। जी हाँ अगर ये खिलाड़ी क्रीज पे टिका रहा तो पंजाब टाइटंस के लिए बहुत ही बुरी खबर। अच्छी बल्लेबाजी, फिर से करारा प्रहार और बिल्डर मौजूद, मगर इस बार शायद इतना कनेक्शन अच्छा नहीं, मगर बेहतरीन शॉट। चलकर आई और पुल किया, नवम इंडिया मौजूद थे। मगर कोई खतरा नहीं और इस थी ओवर की भी समाप्ति, 9 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर 87 लॉस्ट ऑफ 2।
जी हाँ, स्वागत है फिर से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद। 9 ओवर की समाप्ति हुई, टीम का स्कोर 87 दो विकेट के नुकसान। अब चाहिए फॉर्मर ट्राइडेंट्स को 121 रन्स इन 66 बॉल्स। 16 गेंदों में मात्र 40 रन बना चुके हैं ये खिलाड़ी अभिनव, मात्र 10 रन दूर है। और सुमन आए हैं गेंदबाजी करने, हल्के हाथों से खेला और जी हाँ एक रन चुरा लिया है। कट करना चाहते थे, एक रन जरूर। जी डीप स्क्वायर लेके दिशा में दिशा दी, जी हाँ इस बार कदमों का इस्तेमाल के साथ एक रन चुराया। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बना चुके हैं 19 गेंदों में। करारा प्रहार करना चाहते थे, कनेक्शन है यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं। तेज गति के साथ डाली गई है गेंद और कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। जी हाँ 10 ओवर की समाप्ति हुई, टीम का स्कोर 94 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। ये जी हाँ सौरभ अपना पहला ओवर डालेंगे, सामना करेंगे सेट बैट्समैन अभिनव। बैकफुट पे जाके खेला है और एक रन। अब चाहिए 113 रन इन 59 बॉल्स। बैकफुट पे जाके खेलना चाहा मगर सीधे विकेट कीपर के हाथों। अल्पावित हॉस्पिटल अरुणाचल प्रदेश पापुमपर डिस्ट्रिक्ट निर्जुरी मेन रोड के अंदर। स्लॉग स्वीप करना चाहते थे और पूरी तरह से बीत हुए केरला बेनम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक एंड रिलैक्स। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है, दो दो गेंदे आ चुके हैं। फिर से यहाँ बीत, कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद में। अमन के पास वह क्षमता है मगर उनको समय लेना जरूरी है।
इस बार भी कोई कनेक्शन नहीं और एक रन है यहाँ आसानी से चुरा लिया। यहाँ अमन संघर्ष करते हुए, स्क्रीन के नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे जाकर आप विजिट बुक और विजिट कर सकते। खराब गेंद, जी हाँ पूरे 3 रन मिलेंगे अतिरिक्त रन के साथ। फिर से बहुत ही खराब गेंद, जी हाँ वाइट प्लस ये चौका, पूरे 5 रन मिला। बिल्कुल खराब गेंद और ये अच्छी खबर पोमा चैलेंज के लिए, क्योंकि आपको मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, रन गेंदबाज खुद दे रहे हैं। दस रन आ चुके, कट करना चाहते थे इस बार भी मगर फिर से अच्छा संपर्क नहीं। और इसके साथ ही 11 ओवर की भी समाप्ति हुई। जी हाँ 11 11 ओवर समाप्ति के बाद और 103 रन 2 विकेट नुकसान। अब 105 रन चाहिए इन 53 बॉल्स। ड्राइव किया है फील्डर, 1 रन चुराएंगे। गेंद हवा में मगर कोई खतरा नहीं, फील्डर बहुत ही दूर। 2 रन से दूर अपना अर्धशतक से। ओहो जी हाँ ये चौका विकेट कीपर्स के पीछे से। अक्रॉस द लाइन आई और गेंदबाज शायद चकमा देना चाहते थे बल्लेबाज को मगर विकेट कीपर को ही चकमा दिया। पुल किया 1 रन से, जी हाँ 1 रन। यहाँ अब मात्र 1 रन चाहिए अभिनव को अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। अब स्ट्राइक में आए हैं आप, क्या कनेक्शन बेहतर है? जी नहीं, और 2 रन चुरा लिया। रिकॉर्ड रन रहे थे इस मैच को जीतने के लिए 11.6 का। देखना होगा, जी हाँ फील्डर मौजूद मगर खराब फील्डिंग, ये जीवन दान।
महंगा पड़ सकता है पंजाब टाइटंस को। 12 ओवर की भी समाप्ति हुई 114 रन 2 विकेट नुकसान के बाद। आसान सा कैच हाल पक सकते थे मगर छोड़ दिया। खराब फील्डिंग नावम तकम निराश अपने आप से मगर मुस्कुराता हुआ ये चेहरा। नाइन्टी फोर रन चाहिए 48 बॉल्स में। दूसरा ओवर डालेंगे 16 ओवर। उठा दिया है और जी हाँ लपक नहीं पाए। निराशा ये तिशिति को बहुत ही नाखुश नाराज होंगे क्योंकि ये कैच बाज खुद ही जाके लपकना चाहते थे और गलती कर गए थे क्योंकि ये उनका कैच नहीं था। फील्डर नावम इंडिया तैनात थे उनको लपकने देना चाहिए था। और जी हाँ सीधे बाउंड्री के बाहर डिपोजिट किया 6 रन के लिए और इसी 6 रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया अभिनव ने केवल 24 गेंदों में। और स्ट्राइक रेट 220 का अच्छी बल्लेबाजी। स्लॉग स्वीप लगाया और सीधे बाउंड्री के बाहर डिपोजिट कर दिया। जी हाँ यहाँ 1 रन खेले खेला बस दिशा दिखाया। अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल निर्जरी दैमुख जीरो नाहरलगन और करसिंह शाह जैसी जगह जगह में उपलब्ध है। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। संघर्ष करते हुए अब तक अमन 21 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाए। अब तक संपर्क अच्छा नहीं उनके बल्ले से। जी हाँ फील्डर कोई रन नहीं। खराब गेंद फिर से विकेट कीपर को बार बार चकमा देते हुए गेंदबाजी। कोई मौका नहीं विकेट कीपिंग के पास रोकने के लिए। पूरे 5 रन मिलेंगे। जी हाँ खराब गेंद निराशा। बल्लेबाज को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि गेंदबाज खुद फील्डर मौजूद है और 1 रन जरूर चुराएंगे। रिकॉर्ड रन रेट 11.4 का। 13 ओवर की भी समाप्ति हुई। टीम का स्कोर 128 लॉस्ट अप टू।
जी हाँ, अब चाहिए पोमात राजेंस को 80 रन इन 42 बॉल्स। गेंदबाजी में फिर से सुमन तीसरा ओवर डालेंगे, अपना सामना करेंगे अमन। एक रन, खराब गेंद फिर से और विकेट कीपिंग के पास कोई मौका नहीं इस बार भी। वाइट प्लस ये चौका, पूरा 5 रन। जी हाँ, अगर इसी तरह की गेंदबाजी करता रहा तो आसान हो जाएगा पोबाट राजेंस के लिए इस मैच को जीतना। पूमी पुंगते रिजोर्ट ईमेल आईडी या दिए गए फोन नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जाकर आप बुक कीजिए और विजिट जरूर कीजिए। ओहो, ये यॉर्कर गेंद, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, कनेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं, और एक रन जरूर चुराएंगे। गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए जरूर, और जबरदस्त प्रयास प्लेयर का, मगर जी हाँ रिप्ले देखेंगे। जी हाँ, अच्छा प्रयास यहाँ, मगर लपक नहीं पाए। और सीधे बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया है, सीमा रेखा के बाहर ये खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, महंगा ओवर ये। इस बार भी कोई मौका नहीं, फील्डर बस करे करे देखते ही रह जाएंगे इस शॉट्स को। 6 रन मिलेंगे इस बार भी, बैक टू बैक ये 6 रन अभिनव के बल्ले से। जी हाँ, खराब गेंद और पूरा पनिश किया। चौदह ओवर की भी समाप्ति हुई 150 के नुकसान के बाद। अब रिक्वायर्ड रन रेट 9.7 का, 71 रन बना चुके हैं केवल 29 गेंदों का सामना करके अभिनव। स्ट्राइक रेट 210 का, अब चाहिए 58 रन इन 36 बॉल्स।
पुल कर दिया है और बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किया है। 6 रन, 14 गेंद और पूरा पनिश किया। नवम इंडिया को आते ही 6 रन के साथ स्वागत किया। क्रॉस द लाइन आए और अच्छी कोशिश यहां विकेट कीपिंग गौतम द्वारा। चार रन हो सकता था मगर अच्छी विकेट कीपिंग। कदमों का इस्तेमाल, बैकफुट पे जाके पंच किया है, ताता पंच, अच्छी पंच और 1 रन चुराया। करारा प्रहार, गेंद हवा में और जी हाँ, इस बार नाबम तकम गलती नहीं करेंगे। संघर्ष भरा पारी समाप्त अमन का। अमन के लौटने के बाद आप क्रीज पे आए हैं नवम गान्या। ये साइन और विकेट कीपर से भी चूक हुई, 2 रन जरूर मिलेंगे। कदमों का इस्तेमाल और ड्राइव किया है, कोई रन नहीं। दस रन आ चुके हैं। जी हाँ, क्या फील्डर मौजूद है? जी नहीं। और 2 रन चुराया। और यहां नाभम गाना खराब थ्रो यहां और 3 रन चुराया। बहुत ही खराब फील्डिंग।
15 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 163 लॉस्ट ऑफ 3 रिक्वायर्ड रन रेट अब इस मैच को जीतने के लिए 2.0 का। जी हाँ फिर से अभिनव स्ट्राइक में खराब गेंद और बाल बाल बचे। हाँ मुझे लगा ये चौके या चक्के के लिए जाएंगे मगर पिल्लर मौजूद और एक रन महंगा साबित जरूर हुआ पहला ओवर। अब तक खराब गेंदबाजी की है ये देखिए फिर से खराब गेंद मगर फील्डर मौजूद थे। जी हाँ बहुत ही खराब गेंद नवम गजा का ये शॉट बहुत ही बेहतर जरूर थे मगर एक रन जरूर चुराया। अब चाहे 43 रन इन 28 बॉल्स। जी हाँ 43 रन नीड्स टू इन इन 28 बॉल्स। स्ट्राइक में आप फिर से शत बैट्समैन अभिनव करारा प्रहार और जी हाँ रोक नहीं पाएंगे ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन खराब गेंदबाजी। जी हाँ फिर से छोटी गेंद और पुल किया और नतीजा बाउंड्री के बाहर। प्रयास जरूर अच्छा था फील्डर का मगर रोक नहीं पाए। जी हाँ और ये फील्डर्स के ऊपर से सीधा है लॉन्ग ऑफ के दिशा में 6 रन के लिए खराब गेंदबाजी महंगा ओवर 12 रन आ चुके हैं 4 गेंद में। जी हाँ खूबसूरत ये शॉट पूरी तरह से दबाव में गेंदबाजी के ऊपर हावी होते हुए। इस बार संपर्क अच्छा नहीं क्या फील्डर मौजूद है। जी नहीं इस बार भी बाउंड्री के बाहर ये चौका लगातार यहाँ बैक टू बैक बाउंड्रीज आए मैच का रूप बदलता हुआ धीरे धीरे 16 रन आ चुके हैं 4-5 गेंदों में। जी हाँ बहुत ही खराब गेंद पूरा लाभ बताया बल्लेबाज ने पूरी तरह से दबाव में डाला गेंदबाजी के ऊपर। कट किया है फील्डर मौजूद आसानी से एक रन चुराया और इसी एक रन के साथ ओवर की भी समाप्ति 16 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 180 रन लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। जी हाँ 16 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 180 लॉस्ट ऑफ 3 और अभिनव क्रीज पे मौजूद है 91 रन बनवा के 37 बॉल का सामना किया। खराब गेंद ये और विकेट कीपर रोक नहीं पाए मगर जी हाँ 2 रन चुराया ये
लेग बाय का इशारा है। अब चाहिए 26 रन इन 23 बॉल्स। सेट बैट्समैन अभिनव स्ट्राइक में, सीधा बल्ला से खेला है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। पुल आप अभिनव का देखिए, खूबसूरत पुल लगाते हैं। अल्फाबेट हॉस्पिटल अरुणाचल प्रदेश पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट ठीक मेन निर्जली मेन रोड के सामने। यहाँ जी हाँ पाइन लेके दिशा में चार रन। अब इस चार रन के साथ जी हाँ खूबसूरत ये प्लिक दिशा दिखाती फील्डर तैनात है। 21 रन चाहिए इन 21 बॉल्स। अच्छी गेंद, अपनी शानदार बल्लेबाजी। एक रन खूबसूरत ये प्लिक, वाह तारीफ अंपायर कर रहे हैं। पुलतोस गेंद जी हाँ फील्डर मौजूद और एक रन। अभिनव का स्कोर निजी स्कोर है 93 रन 40 गेंदों का सामना करके अब मात्र 7 रन दूर अपने शतक से। क्या लगातार बैक टू बैक शतक लगाएंगे अभिनव, ये देखना जरूरी। आप लिक ऑफ द रिस्क बेहतरीन शॉट ये 4 रन। जी हाँ इस शॉट में क्लास लिखा हुआ। इस प्लिक को आप देखिए फिर से बेहतरीन, आसान नहीं होते इस तरह की सोते लगाना और खूबसूरत अंदाज में खेला, बेहतरीन शॉट यह। अब रिकॉर्ड रन इस मैच को जीतने के लिए 5.0 का। अब चाहिए मात्र 15 रन 18 गेंदों में और कप्तान अब खुद गेंदबाजी करने आए और अभिनव को चाहिए मात्र 7 रन शतक लगाने के लिए। किया है कैचित की भी मांग और अच्छी बिल्डिंग यहां। जी हाँ बहुत ही शानदार बिल्डिंग, रिप्ले देखने लायक होगा। पुल किया था और जी हाँ पूरी तरह से सेव किया, 6 रन हो सकता था ये। 5 रन बचाया अपने टीम के लिए। अब 14 रन चाहिए 17 गेंदों में। स्ट्राइक में नाबम गांजा, हल्के हाथों से खेला एक रन के लिए और जी हाँ चुरा भी लेंगे। अब चाहिए 13 रन 16 गेंदों में और अभिनव को चाहिए मात्र 6 रन अपना 8 शतक पूरा करने के लिए।
ओहो अच्छी गेंद इस बार कप्तान टीसीडी के द्वारा। कट किया मगर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। अपील है एलवी का, जबरदस्त अपील मगर जी हाँ कोई इशारा नहीं। 3 लगातार 2 गेंदे यहाँ तीसरी को द्वारा, रिप्ले देखना होगा। जी हाँ स्लो स्विच करना चाहते थे, ये पिचिंग लाइन में जरूर था मगर ये लेग स्टंप शायद के साइड से गुजरती है गेंद, और अच्छी अंपायरिंग। ड्राइव किया है और जी हाँ कोई मौका नहीं रन चुराने का, और ओवर की भी समाप्ति हुई। 18 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 195 लॉस्ट ऑफ थ्री। जी हाँ पवन आए हैं गेंदबाजी करने, 13 रन चाहिए 12 गेंदों में। ओहो तेज गति के साथ डाली और 1 रन चुराया। अब 12 रन चाहिए मात्र 11 गेंदों में। ये रन दूर अपना शतक से, यहाँ बल्ला पे जी हाँ विकेट कीपर के पीछे 6 रन, और इसी 6 रन के साथ अपना शतक पूरा किया है। ये अभिनव का दूसरा शतक इस टूर्नामेंट का। जी हाँ खूबसूरत बल्लेबाजी, लगातार कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी हमने देखा, और बेहतरीन पारी। अमन बने पहला बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में दूसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। जी हाँ विकेट कीपर के पीछे से बहुत ही लंबा छे, फिर से पुल किया है, और जी हाँ 6 रन, और इसी 6 रन के साथ मैच का समाप्त हुआ। बेहतरीन शॉट, खूबसूरत ये चेसिंग, खास तौर पे अभिनव की जितनी ही तारीफ करते हो उतनी ही कम। बेहतरीन पुल, 106 रन, 47 मात्र 47 गेंदों का सामना की, और टीम को जीत दिलाया, और पुमा ट्राइडेंट्स ने इस मैच को जीत लिया है 9 बॉल 9 गेंदों से। तो दर्शकों इतना ही था आज का दिन का, दूसरा मैच की भी समाप्ति हुई। कुछ ही देर में हम आपसे जुड़ेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एरिया में।
हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एरिया। और हमारे साथ गेस्ट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एरिया में जुड़े हैं होनरी सेक्रेटरी ऑफ पफुम पारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नाबम गुनिया जी, आपका स्वागत है। और उनके साथ हमारे आज के मैच रेफरी तिची कागुंग जी, आपका भी स्वागत है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एरिया में। और मैं मैच के समारोह के बारे में बता दूँ, मैच नंबर 25 पानीर टाइटंस वर्सेस पुमा चैलेंज के बीच तो जीता पुमा चैलेंज ने। और पहले बल गेंदबाजी करने का फैसला किया पानीर टाइटंस ने, 207 रन बनाए 10 विकेट गवा कर 19.5 ओवर में। और पुमा चैलेंज ने 208 रन बनाए 3 विकेट गवा कर 18.3 ओवर्स में। और मैच का रिजल्ट है पुमा चैलेंज ने इस मैच को 7 विकेट से जीता। और हम अब सीधे मेन इवेंट मैन ऑफ द मैच पे आते, जिन्होंने 106 रन बनाए 47 बॉल्स का सामना करके 6 चक्के 4 चौके लगाकर और स्ट्राइक रेट 220.55 का, और उनका नाम है अभिनव। और मैन ऑफ द मैच को प्रेजेंट करेंगे होनेरी सेक्रेटरी ऑफ पफुम पारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नाबम गुनिया जी, और खूबसूरत एक्स्ट्रा पावर एनर्जी ड्रिंक साथ में। जी हाँ, खूबसूरत बल्लेबाजी की और लगातार दूसरे शतक लगाए इस उन्मिलती ट्वेंटी ट्रॉफी में। तो धन्यवाद, इतना ही था आज का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन।